सो मेरे पास आई चेकअप के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर कुछ ऐसा दवाई बता दीजिए या फिर ऐसा कुछ डाइट बता दीजिए जिससे कि ये जो मैं चश्मा लगाता हूँ चश्मे से मुझे छुटकारा मिल जाए। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि ऐसा कोई दवाई मेडिसिन है नहीं जो कि आपके चश्मे के पावर को हटा दे या फिर चश्मा हटा दे, बट कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जिन्हें अगर लगातार आप एक महीने खाते हैं या फिर दो महीने खाते हैं या फिर तीन महीने खाते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी रोशनी है ना धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पे टैबलेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिसिन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, हम लोग नेचुरल डाइट्स की बात कर रहा हूँ। वो कौन से ऐसे तीन डाइट्स हैं, तीन वो कौन से भोजन हैं जिन्हें खाने के बाद, चाहे आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपके लिए अवेलेबल है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो भी अवेलेबल है, दोनों तरह के फूड में सिर्फ तीन फूड ऐसे बताने वाला हूँ जिन्हें लगातार अगर आप एक महीने तक खाते हैं दूसरे महीने से जो आपकी आई साइट है डेफिनेटली धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी और ये जो चश्मा आप लगा के रखें चश्मा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो हेलो ऑल, मेरा नाम है राकेश कुमार सिंह और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेटिस्ट हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आई केयर एक्सपर्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए ताकि पता चल सके वो तीन कौन से ऐसे डाइट्स हैं जिसके बारे में हर कोई पूछता है और यही आंसर है उसका, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है वो स्पेशल। तो आजकल की जो हम लोगों की लाइफ स्टाइल हो गई है, दिन भर मोबाइल पे लगे रहना, मोबाइल नहीं है तो कंप्यूटर पे काम करना, कंप्यूटर नहीं है तो ऑफिस में काम करना बैठे घंटों, या फिर टीचिंग का जॉब आपका हो गया या फिर बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो इन सब की वजह से आंखें तो दे हैं दिन भर काम करती रहती हैं, थक जाती हैं बेचारी, करेक्ट। तो आज देखते हैं कि क्या है जिससे उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सके। तो अगर हम डाइट की बात करें तो सबसे जो पहला और महत्वपूर्ण डाइट है वो है आपका शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मतलब येलो वाली नहीं, ग्रीन वाली नहीं, रेड बेल पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, लाल कलर की शिमला मिर्च होती है। अगर ये विटामिन सी से भरपूर होती है, अगर आप लगातार इसको अपने डाइट में शामिल करते हैं, एक्चुअली रक्त वाहिनी जिसको आप बोल सकते हैं, उन सभी को इसमें जो आदान प्रदान है रक्त का ज़्यादा हो जाता है और धीरे धीरे जो आपकी रोशनी है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी तो होता ही है साथ में ए और ई भी पाया जाता है। तो एक ऐसा शिमला मिर्च जिसको खाने से या फिर जिसको डेली भोजन में आप शामिल करने से डेफिनेटली जो आपकी आई साइट है धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी अगर आप एक अपने डाइट में इसको शामिल करते हैं। तो वहीं पे अगर आप लाल कलर की शिमला मिर्च को डेली अपने खाने में मतलब लेते हैं तो जो मोतियाबिंद का खतरा है वो भी देखा गया है कि कम हो जाता है अगर आप इसको शामिल करते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग क्या खाएं, तो उनके लिए है मछली, फिश। फिश एक ऐसा फूड है जिसके अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं आँखों के लिए ना, अगर आपने देखा होगा कि गांव में किसी को रतौधी हो जाती थी तो क्या करते थे, ला के वो एक गोली खिलाते थे, उनको पता नहीं कुछ गोली के अंदर मछली का तेल हुआ करता था एक्चुअली, ठीक है। अब जाके पता चलता है कि हम लोगों ने मछली का तेल ही खाया था और अभी भी होता है तो बेसिकली वही रहता है वो, ठीक है। तो फिश एक ऐसा फूड है नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए जो लोग मतलब मांसाहारी हैं, जो कि आँखों को हेल्थ को ओवरऑल हेल्थ जो होता है आई का उससे वो इम्प्रूव होता है। तो कोशिश कीजिए डेली खाने में फिश, अगर डेली नहीं खा सकते तो अल्टरनेट डेट खाइए, अल्टरनेट नहीं हो सकता है वीक में कम से कम दो बार खाइए। तो ये भी जो है दूसरा नंबर का भोजन है जो कि आपकी आँखों के हेल्थ को इम्प्रूव करता है एक्चुअली, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे है और सब जगह ये उपलब्ध होता है वो है आपका गाजर। एक्चुअली गाजर एक ऐसा है, एक्चुअली उसको सब्जी बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि उसकी सब्जी भी बनती है, हम लोग सलाद में भी यूज कर सकते हैं, हलवा भी बनाते हैं। तो यह एक ऐसा होता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम करता है एक्चुअली, क्योंकि इसमें जो ना बीटा कैरोटीन और विटामिन ये होता है जो आंखों को हेल्दी रखने में मदद तो करता ही है, साथ में एक्चुअली जो हमारी त्वचा है स्किन है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ओके। इसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए जैसे में पालक हो गया हमारा और कैबेज मैंने बताया था एक्चुअली पहले ही ऑलरेडी, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन सभी को आप शामिल कर सकते हैं एक्चुअली, ओके। और तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और कुछ अगर कमेंट्स हैं आपके, कुछ और जानना है इस वीडियो के बारे में कि कैसे आंखों की रोशनी बढ़ाएं तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी तरह से आपकी उसमें हेल्प करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।